कि रेमल तूफान पर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता दें। महातूफान पर एक्शन मोड में पीएम मोदी आ गए हैं। पीएम ने अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग की है इस पूरे चक्रवाती तूफान को लेकर। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है, पीएम मोदी ने यह कहा कि हालात पर गृह मंत्रालय की नजर है और साथ ही बंदरगाह, रेलवे, हाईवे पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बंगाल में असर दिखाई दे रहा है रेमल तूफान का, लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी की नजर भी लगातार बनी हुई है। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है, पीएम मोदी ने यह कहा है, और हालात पर गृह मंत्रालय की नजर लगातार बनी हुई है, साथ ही बंदरगाह, रेलवे, हाईवे पर निगरानी के निर्देश वहां पर दिए गए हैं। ताजा हालात क्या बने हुए हैं इसको लेकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की पश्चिम बंगाल को लेकर, और आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं संभावित नुकसान को भांपते हुए, इस पर भी चर्चा अधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने की। अपने आवास पर हाई लेवल ये मीटिंग हुई, समीक्षा बैठक पीएम मोदी की तरफ से। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन है, राज्य की सरकार ये कह रही है कि मुकम्मल इंतजाम वहां पर किए गए हैं जिससे नुकसान ना हो, कोई अनहोनी ना हो, और केंद्र की भी लगातार नजर है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि बंगाल सरकार को हमारा पूरा समर्थन है, केंद्र का समर्थन है, और साथ ही गृह मंत्रालय की नजर भी वहां पर लगातार बनी हुई है। ये तीन तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बंगाल में महातूफान का असर दिखाई दे रहा है, हाई लेवल मीटिंग हुई है दिल्ली में, दिशा निर्देश दिए गए हैं पीएम मोदी की तरफ से भी, एक्शन में पीएम नजर आ रहे हैं, और साथ ही तेज आंधी से वहां पर नुकसान किस तरीके से हुआ गया उसकी तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई जनहानि की खबर वहां से सामने नहीं आई है, लेकिन कई जगहों से पेड़ गिरने की खबरें सामने आई हैं, कई जगहों से रास्ते जो हैं वो बाधित हो गए हैं, लोगों को आवाजाही में समस्या हो रही है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार मौजूद है, मुस्तैद है, जो रास्तों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वहां पर जुटे हुए हैं। तीन तस्वीर, बंगाल में महातूफान, और राज्य की सरकार ने भी वहां के लोगों से ये कहा कि अलर्ट पर आप रहें, और साथ ही दिल्ली में भी हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी ने की है। और देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, समुद्र में लहरें किस तरीके से उठी है वो पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तेज हवाएं वहां पर चली और झमाझम कई इलाकों में बारिश हुई, इसके अलावा आंधी से पेड़ वहां पर उखड़े हुए हैं, और साथ ही देखिए समंदर पर जो अलर्ट है वो जारी किया गया, जो तटीय इलाके हैं वहां के लोगों को, हालांकि पहले ही उन इलाकों को खाली कर लिया गया है, लोगों को अलग जगह पर पहुंचा दिया गया, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि आप अपने घरों पर ही रहें, सलाह लोगों को ये दी गई है कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें। एनडीआरएफ की 14 टीमें कहा जा रहा है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग तटीय इलाकों में इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। तो ये 6 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, महातूफान, चक्रवाती तूफान रेमल का असर किस तरीके से नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में अलग अलग हिस्सों में, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। अलग अलग जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, समुद्र में लहरें यहाँ पर उठ रही हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में नजर आ रहा है, वो कोलकाता हो, हुगली हो, पूर्वी मिदनापुर हो, मुर्शिदाबाद हो, इन नादिया हो, इन जिलों में कहीं पर हल्की बारिश तो कहीं पर तेज बारिश का सिलसिला कल रात से ही लगातार जारी है। कल रात को लैंडफॉल शुरू हुआ, उसके बाद से अलग अलग इलाकों में लगातार बारिश का और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। ये 6 तस्वीर, एक तरफ राज्य की सरकार ने मोर्चा वहां पर संभाला है, साथ ही जो टीमें हैं एनडीआरएफ की वो भी वहां पर मुस्तैद हैं, और दूसरी ओर दिल्ली में भी पीएम मोदी ने लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि राज्य की सरकार की हर संभव केंद्र से मदद की जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।